देखो यहाँ पे सो योर गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज ब्लॉग में जगह जाएंगे शाम को, ठीक है। तो अभी मैं बाल कटा के आई हूँ अच्छे से, और अभी मुझे जाऊँगा बनाने के नहाते हैं, हुलिया सही करते हैं, क्योंकि यार बाल कटा के हैं तो थोड़े बाल लो थोड़ा काट रहे हैं चुप रहे हैं, तो नहा के आते हैं और फिर नाश्ता करते हैं, ठीक है। A few moments later. So, मैं जा रहा हूँ नहाने, ठीक है, और मिलते हैं नहाने आने बाद, ठीक है। मैं मतलब नहा लूँ और फिर तैयार हो जाते हैं और बस। और ये देखो तेज की धूप निकली आज चल रहे थे, दादी नमाज पढ़ रही है इधर। मम्मी खाने में क्या बना दिए आप? और अच्छा बस अच्छा और ये देख सकते हो कुछ ऐसा हाल हो रखा है कमरे का, इतना बुरा सड़ा, ठीक है। मेरा सेटअप इस पर लगा रहता हूँ मैं 24/7, ये मेरा बेड है जहाँ मैं सोता हूँ, ठीक है। ये मेरी शर्ट पड़ी है और ये मेरा बैग, जब मैं कहीं भी भाई आता हूँ तो ये लेके जाता हूँ, बहुत बढ़िया बैग है मेरा। और ये कोट की पैंट, बस कुछ ऐसे ही हाल पड़ा हुआ है रूम का। ये मेरे सब ये हाँ ये मैं नहीं बेच सकता, ये वो सामान है जो मैंने अपने पैसों से खुद ख़रीदा है, इसके लिए मैंने किसी को वो नहीं करा था, ये मैंने अपने पैसों से खुद ख़रीदा है सामान। देखो ये सामान है, ये मैंने खुद ख़रीदा है, ठीक है। हाँ बस यही सामान है। पता आज शो में मेरा आज मेरे साथ हुआ, मतलब जब मैं बाल कटा के आया वापस घर लौटते टाइम, तब मैंने गीज़र खोल दिया, ठीक है। और जब मैंने गीज़र खोल दिया तो उसके बाद मैंने थोड़ा वेट करा, थोड़ा पानी गर्म हो जाए, मतलब थोड़ा ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए खुले, थोड़ा पानी गर्म हो जाएगा ये। उसके बाद मैं अपने रह गया सेटअप पे रूम में, या थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा वेट करने लगा, मतलब टाइम स्पेंड करने लगा मैं टाइम पानी गर्म करने के लिए। तो मैंने देखा कि टाइम हो गया, चलो जाते हैं नहाने। उसके बाद जब मैंने चेक करा भाई पानी गर्म नहीं, इतना क्या ही बताऊँ मैं बस। अब मैं दोनों दुआगे इधर खोल कर आया हूँ, अब देखते हैं हमें पानी गर्म हो पाएगा कि नहीं। अब वेट ही कर रहा हूँ मैं इतनी देर से बैठा हुआ, मैं वापस जाऊंगा नहाने और फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब बच्चा आता है मेरा टाइम वेस्ट हो गया सही में। वैसे आज मैंने अपने बाल कटाए ना तो इसलिए आज मुझे नहाना था, और बस यही कहानी हो गई मेरे साथ बाल के चक्कर में, मैंने बाल कटा लिए और ये कहानी मेरे साथ हो गई। बुरा लग रहा है यार, चार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इंतजार कर सकते हैं बस। सो यार नहा के तैयार हो चुके हैं, ठीक है, और अब लेते हैं मम्मी से खाना, खाना खाते हैं। सो खाने में बिरयानी, ठीक है, खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो यार फाइनली खाना खा लिया और टाइम हो रहा है 4:30, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर में जाऊँगा अपना कोट लेने वापस, क्योंकि मैंने सुबह प्रेस को लेकर आया था, तो अभी कोट लेने जाते हैं। अब मैं दिखाता हूँ मतलब मैंने शाम की तैयारी कैसे कर रखी है, ठीक है। Later that same evening. So यार सब तैयार हो चुके हैं, ठीक है, मैं भी तैयार हो चुका हूँ और अब निकलते हैं शादी में, शादी का टाइम हो रखा है और मम्मी तैयार है, अतीवा तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, ठीक है, और दिखाता हूँ मैं। देखो मम्मी ने कुछ ऐसे कपड़े पहने आज, ठीक है, शादी के लिए।
इधर चिकन गस्ट चॉल है और इधर टिकटा जो कि खत्म हो चुका है। बिरयानी और रेड ऑर्डर चिकन स्टाफ वाले आ चुके हैं ठीक है घर, और अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे देख सकते हो, और बस अब मैं कपड़े चेंज करता हूँ ठीक है। तो यार बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना ठीक है। हाँ हाँ सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है, लाइक भी कर देना, और मिलते हैं पिछले ब्लॉग के साथ, तब के लिए गुड बाय टाटा, सी यू सून, सी यू ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे, बाय। हो जाना शायर आना ऐसी बारिशों में, बिन बुलाए भी ख्याल गूंजे ऐसी ख्वाहिशों के, जिनको